लावा ब्लेज एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपने अलार्म साउंड को आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। और इसे डिसेबल करने से अलार्म साउंड को होगा क्या, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको जो है सेटिंग पेज ओपन कर लेना है अपने फ़ोन में, और सेटिंग के इस पेज में आपको नीचे की साइड में साउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको जो है साउंड के इस पेज में आपको नीचे की साइड में आना है, और यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको पेज को जो है स्क्रॉल करना है नीचे की साइड में। अब यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखेंगे नोन का ऑप्शन, इस पर आप सेलेक्ट कर दीजिए और इसे आप ओके कर दीजिए नीचे इस ऑप्शन पे। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड जो है वो नोन, यानी कि आपका जो अलार्म साउंड है वो डिसेबल हो चुका है। अब डिसेबल होने से होगा क्या कि जब भी आप कोई भी अलार्म सेट करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, तो जब वो कभी भी जो है साउंड की आवाज़ नहीं करेगा, किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसे डिसेबल कर दिया यानी कि नोन कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने 5G लावा ब्लेज 5G एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में अलार्म साउंड को आप डिसेबल कर सकते हैं।